वेलकम टू हिम जॉब सेलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने हिम जॉब सेलर यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऊपर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आपको टाइम से मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो यहाँ पर डिटेल में शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज हुई कैबिनेट मीटिंग में बताया गया है कि 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। फॉरेस्ट गार्ड के 311 पद पर भरने की मिली मंजूरी। डिटेल में हम बता दें आपको, तो हिमाचल प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में 350 से ज़्यादा पद भरने को मंजूरी दी गई है। वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 311 पद भरने की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में अनुबंध आधार पर कृषि विकास अधिकारियों के 25 पद भरने का फैसला लिया। कैबिनेट बैठक में क्लास 3 के रिक्त पदों के विरुद्ध 5% कोटे की छूट के साथ क्लास 3 और क्लास 4 के उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध मृतक कर्मचारियों के पात्र अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने के लिए अनुमति प्रदान की। यह रोजगार शिमला, गन्नौर, सोलन एंड कांगड़ा के डीसी कार्यालयों में और बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा डिवीजन कार्यालय में मिलेगा। कैबिनेट बैठक में नवगठित नगर पंचायतों के सुचारू कामकाज के लिए भी कई अहम फैसले जो हैं लिए गए। नवगठित नगर पंचायतों शाहपुर, चिड़गांव, निरवा, निरमंड, आनी, कंडाघाट और अम्ब के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5-5 पद भरने की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट बैठक में कांगड़ा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तियारा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने और विभिन्न श्रेणियों के 13 नए पद भरने की मंजूरी भी प्रदान की गई। प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल में सूखे की स्थिति पर बराबर निगरानी रखने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी प्रदेश में सूखे पर बराबर पैनी नज़र रखेगी, ताकि समस्या से तत्काल निपटा जा सके। कोरोना को लेकर कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने स्पष्ट की स्थिति। हिमाचल प्रदेश में कोरोना विकराल रूप धारण कर रहा है। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में 2 प्रस्तुतियां दी। कोरोना की वास्तविक स्थिति के साथ संक्रमण की जो बढ़ती रफ्तार है, उस पर कैसे रोक लगाई जाए, इस पर विचार साझे किए। बैठक में बताया गया कि हिमाचल को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख और डोज मिली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी 2021 में एक्टिव मामले घटकर 150 के आसपास रह गए थे, वहीं मार्च अप्रैल में यह आंकड़ा 5000 तक पहुंच गया है। प्रतिदिन 5 से 7 लोगों की इस बीमारी से मौत भी हो रही है। जनवरी में कोरोना से मौत का ग्राफ 0.09% तक पहुँच गया था। आज यह आंकड़ा बढ़कर 1.8% हो गया है। रिकवरी रेट भी गिर कर 92% हो गया है। बताया जा रहा है कि बैठक में उन्होंने बंद से लगाने की भी सिफारिश की है। रोजाना लिए जा रहे 8000 सैंपल और 50000 लोगों को लग रही वैक्सीन। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बैठक में बताया कि प्रदेश में सैंपल की क्षमता को बढ़ाया गया है। प्रतिदिन 8000 से ज़्यादा लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही 50000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। इनको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।